हाय गाइस, वेलकम टू जस्ट शोबिज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती सिंह और हर्ष से, जो शामिल हुए दंगल टीवी के दिवाली महासंग्राम में। देखिए पूरा वीडियो। भारती जी, हर्ष भाई, कैसा था दंगल वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन? पहले उनको हर्ष भाई और भारती बहन क्यों नहीं कहा? ऐसा होता सुंदर लड़कियों के लिए बहन निकलता नहीं। थैंक यू ब्रो, पर मैंने ब्रो कह दिया। देखिए, दंगल में हम दिवाली सेलिब्रेट करने आए थे और हमको बहुत मजा आया, क्योंकि दंगल एक चैनल नहीं परिवार है और इस परिवार में हम जुड़ने जा रहे हैं। हम हमारा एक फर्स्ट फिक्शन शो, कॉमेडी फिक्शन शो फवारा चौक इंदौर की शान लेकर आ रहे हैं दंगल। यार हमको मतलब ऐसा लगता था कि ये बाकी सारे चैनल्स ही ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमको पता चला कि भाई दंगल तो बहुत आगे निकल चुका है। सो बड़ी खुशी हो रही है कि दंगल टीवी का एक हम भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज का शो आ रहा है, मतलब हर्ष नहीं है उसमें, हिज प्रोड्यूसर लेकिन भारती है, बहुत अलग अवतार में, बहुत छोटा सा अवतार है लेकिन बड़ा प्यारा अवतार है, जो कि इसको पता नहीं है। तो ये इसके लिए भी सरप्राइज है और आप सबके लिए भी। जी हाँ, देखा मीडिया के सामने बोला ताकि मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ, मैं खुशी दिखा पाऊँ। यही यही सच। गुजराती पना बेस्ट गिफ्ट था ये करवा चौथ, बहुत फायदा बहुत उठाते हैं। कैसा सवाल पूछा लड़की ने। नहीं नहीं, हाँ ये तो मैं भी फ़ायदा उठाती हूँ। जब मैं किसी का शो करती हूँ तो मैं स्क्रिप्ट लेकर आती हूँ, हर्ष काम कर दे उस पर। ये भी जब किसी का शो लेके आता है भारती आ जा, तो ऐसे हस्बैंड वाइफ का तो चलता ही रहता है, और ऊपर से करवा चौथ भी है तो मना नहीं कर सकते ना। हर्ष, शो आपका है तो आप बताइए क्या होने वाला है शो में? जी ये शो काफ़ी, देखिए मैं ना इंदौर से काफ़ी इंस्पायर्ड रहता हूँ, बिकॉज इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, तो और इंदौर ही ह्यूमर बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कोई ऐसा शो बनाओ जो इंदौर पर बेस्ड हो, तो ये जो शो है वो इंदौर पर बेस्ड है और एक चौक की कहानी है कि कैसे एक चौक पर जब लोग काम करते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं, तो उनमें कैसे एक एक फैमिली बन जाती है, और कैसे वो लोग उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, कॉमेडी प्रॉब्लम्स का एक फ़नी, एक कह सकते हैं कि फ़नी शो है, कॉमेडी शो है, और बहुत ज़्यादा हंसी है उसमें, और उसमें बहुत कमाल की कास्टिंग है, जो कि मैं अभी नहीं बोलूँगा लेकिन आपको बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है। आधे लोग कह रहे होंगे हमें पता है, आप क्या नहीं बोलेंगे? आपको पता है कौन है? नहीं पता, मैं बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा, इनफैक्ट चैनल ही आपको बताया। भारती वाला राज तो खोलना ही था, ये छुप सकता है ये राज? इतना बड़ा पूरी लड़ाइयां डलवा रही है। देखो भारती वाला खोल दिया, देखो ये करते हैं सब, सब लड़की को अपनी बिल्डिंग में फ्लैट लेके दूंगी, ताकि मुझे टाइम टाइम पे लड़की भड़काती रहे। ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि मुझे हर्ष के खिलाफ कोई भड़काता ही नहीं है। ओहो, क्योंकि बड़ा स्वीट है यार, करवा चौथ है ना, इसलिए करवा चौथ है, गिफ्ट आने वाला है तो बड़ा स्वीट है, बड़ा स्वीट है। सच्ची? क्या गिफ्ट देने वाला है? मैं इसे गिफ्ट देने वाला हूँ यार, सरप्राइज कैसा फिर तो यार। आप लोग रोक के रखे हुए, क्योंकि आज नैनी छुट्टी पे है तो आज घर के लोग उसे संभाल रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज मतलब रो नहीं रहा, लेकिन इतनी चीखे मारा ऐसा लग रहा है कि बच्चे को पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। बस मैं जैसे इंटरव्यू देखे आधा मेकअप गाड़ी में ये वो जाके बस नहाना और उसको पकड़ के भाई पप्पियां करनी है। अच्छा मतलब हम मेन उसके लिए आए थे, आधे तो चले हम गए देख थे, रहे हैं तो अब अपना क्रेज एकदम खत्म हो चुका है, सब लोग बोले के दीवाने हो गए। बड़ा इंतजार है कि कभी हर्ष अनाउंस करे कि शो आ रहा है जिसमें रियल करेक्टर ही है घर के, भारती मैं और गोला, तो मजा ही आ जाए। बहुत जल्द ऐसा शो बनाएंगे, बहुत जल्द ऐसा शो बनाएंगे। इस लड़की ने बनवा चालू हो चुका है, अभी तो थोड़ा एक दो एपिसोड ही देखे हैं, अभी तो हमको नहीं लगता कि इतना। हाँ मैंने प्रोमोस वगैरह देखे, क्योंकि बच्चे के साथ ना उस टाइम बच्चा सो जाता था, फिर ऐसा करना पड़ता है। और बिग बॉस तो आपको पता ही है कितनी आवाज होती है बिग बॉस में। और मुझे वैसे वो जो हमारे मेहमान है भारत के, अब्दू बड़े अच्छे लगते हैं यार, बड़े क्यूट, मैं कहता फड़ के पप्पियाँ ले लूँ, लेकिन वो बच्चा नहीं है, वो एक मर्द है, तो फड़ के पपिया ले लेंगे तो वो भी सामने पपिया ले सकता है। जी हाँ, अरे जरूर जरूर भाई, क्यों नहीं, जैसे दिवाली दशहरा बरसात सब आते हैं, भारती हर्ष भी बिग बॉस में जाएंगे, करेंगे नहीं पर जाएंगे। आप बताइए आप आएंगे? जी बिल्कुल, इतने सवाल है इसके पास। कब देखेंगे हम लोग बिग बॉस? कभी भी नहीं भाई, और कुछ? सीधा ही बोल दिया, कट्टू। क्यों मुझे देखना चाहते हो? लड़ती हुई भारती अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं,
नहीं ना, अरे बहुत बुरी लगती है मेरे अगर मैंने कभी हाँ भी कह दी तो तुम मुझे एक खुफिया नंबर से मैसेज करोगे कि मत कर भारती, मैं वही हूँ भीड़ वाला, पहचान जाऊंगी। ऑडियंस को क्या कहे, भी यही कह रहे कि अभी नए चैनल के साथ जुड़ रहे हैं हम और बस आप लोग का प्यार चाहिए। चैनल तो नंबर वन ही है, हमारे आने से नहीं होगा, वो पहले से ही है, बस ये कि हम वहाँ पे आने से बहुत कुछ सीखेंगे और बाकी सारे जो चीजें आ रही हैं जरूर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और फवारा चौक का बेसब्री से इंतजार करना गाइस क्योंकि क्योंकि बहुत कमाल का शो है, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं और बहुत प्यारा शो है, तो प्लीज जरूर देखिएगा और बहुत प्यार दीजिएगा। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहे तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करिए।